देवउठ ने एकादशी पर शादियों की धूम, प्रशासन में पुलिस रखेगी शादियों पर नजर। देवउठ ने एकादशी पर शादियों की धूम रही। शहर सहित जिले भर में समारोह स्थलों में घरों में शादियों की धूम मची दिखाई दे रही है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने देवउठ एकादशी के अबूझ मुहूर्त को देखते हुए प्रशासन व पुलिस को शादियों पर नजर रखने की हिदायत दी है तथा आमजन से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की है। साथ ही शादी समारोह को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी करे हैं। प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शादी वाले घरों में जाकर समझाइश का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आज अजमेर में सबसे अधिक शादियों के लिए सूचना हमारे पास आई है, तो इसके लिए कोविड-19 अभी सर्दियों में बहुत बढ़ रहा है, तो शादियों में जो प्रोटोकॉल है 100 की लिमिट और मास्क और कंपलसरी वीडियोग्राफी, सैनिटाइज़र, इन सब के लिए प्रशासन की, पुलिस की टीमें लगातार सभी शादी समारोह स्थल पे और आयोजकों के संपर्क में रहेगी। उनको लगातार समझाएगी कि किस तरह से प्रोटोकॉल की पालना करनी है, और हमारी अपेक्षा ही रहेगी सब लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना करें ताकि संक्रमण आगे और न बढ़े, और हम जो भी आयोजन कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल की पालना करते हुए बढ़ें। और राज्य सरकार ने इस पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा है, अगर कोई भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, संख्या से अधिक लोगों को इनविटेशन आता है, लोग अधिक आते हैं, तो 25,000 रुपये का भी जुर्माना लगेगा, जो हमें मजबूरी में लगाना भी पड़ेगा अगर लोग पालना नहीं करते तो। वीडियोग्राफी भी होगी प्रशासन की तरफ से शादियों में? बिल्कुल, जो आयोजक हैं उनको तो कंपलसरी वीडियोग्राफी करानी है, और उसके अलावा हमें भी अगर लगेगा कि लोग अधिक आ रहे हैं तो हम भी वीडियोग्राफी कराएंगे।